नमस्ते सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम साउंड एक्टर है। आप कैसे हैं? क्या बताए मैडम, इस गरीब बदनसीब का हाल, बहुत मेरा गरीबी समस्या चल रहा है मैडम। इन बातों को छोड़िए, आप लोग बताए आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा से रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आपने तो गाना बिल्कुल सीखा नहीं था। नहीं सर, ये आप लोगों का इंडियन आइडल देखकर और यूट्यूब पर गाना देखकर मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ सर। मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दी, अच्छा गा ले। थैंक यू सर। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। आप क्या गाने वाले? मैम आज मैं बहुत अच्छा हिंदी सॉन्ग सुनाने वाला हूँ और मेरे जितने भी ऑडियंस लोग देख रहे हैं मैं उन लोगों को भी सुनाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज भाई लोग, आप लोग मुझे सपोर्ट करें और एक एक व्यूज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और चैनल को शेयर करें। तैयार हो आप? जी मैम, मैं कब से तैयार हूँ। ठीक है, चलिए। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार, चलो चांद के पार, चलो चांद के पार, चलो चांद के पार, चलो। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार, चलो चांद के पार, चलो चांद के पार, चलो चांद के पार, चलो चांद के। ऊपर नीचे एकदम बहुत जबरदस्त, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने जब गाया तो आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए और ये जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं उन्होंने वाकई वीआईपी जिंदगी जी, वीआईपी स्टेटस हासिल किया और फिर भी वीसीपी यानी वेरी कॉमन पर्सन की तरह लाइन में लग कर आ रहे हैं ऑडिशंस के लिए। हाय सर।
नमस्ते। एक बार फिर मैं आ गया हूँ। I can't believe it. यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो स्टार हो यार। मैं स्टार? क्या बताऊँ सर, मेरी लाइफ को बहुत कुछ चल रही है सर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। ओके सर, मेरा नाम म्यूजिक लवर है। जानते हैं, सब जानते हैं। पिछले कई सालों से मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था मैम। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक लड़की थी जिसे मैं बहुत बहुत प्यार करता था, जान से भी ज्यादा मैं उसे प्यार करता था। ये पूछना है, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में जाना है? जब वो लड़की मुझे छोड़ा तो मुझे कोई डिसाइड नहीं था कि मैं इंडियन आइडियल में जाऊँ, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत गाना आता था और मैं सोचता था कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं और क्या करूं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। तो मेरा थोड़ा बहुत गाना जो आता था तो मैंने उसी गाना को रियाज करने लगा, और रियाज करते 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 मेरा दिल में एक दिन आया कि मैं इंडियन आइडल में जरूर जाऊंगा। तो मैं इंडियन आइडल में आया हूं और मैं पूरे दुनिया को दिखाना चाहता हूं। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आया कि कुछ पैसे की खातिर वो मुझे छोड़ दिया। मेरे पास पैसा नहीं था, किसी और के बहुत सारे पैसा था और उसी का हो गया, और वो लड़की मुझसे नफरत करने लगी है। वह लड़की नहीं थी, वह नागिन थी मैं, जो मुझे एक रोज बुलाया और झूठा इल्जाम में वह फंसवा दिया और पुलिस आई, मुझे जेल ले गया, और मैं वहीं पर मैं गाना रियाज करने लगा और मैं पुलिस का मैं बहुत गिड़गिड़ाया। मैं बोला कि मैं सर मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पुलिस मेरा एक भी बात नहीं मानी मैम। और मैं वही जो कैदी ड्रेस पहन कर मैं आया हूँ आप लोगों के बीच, तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक करिए। मैं प्यार का मारा हुआ हूँ भाई, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। दिल पे जाने के लिए कि नहीं ये काम छोटा है, ये काम मैं करूँगा जो और अच्छा है, क्योंकि मैंने उसकी वो जर्नी देखी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से जागो वहीं सवेरा। क्या बात है, क्या यही तो सोचकर मैं यहाँ पर आया हूँ सर। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबॉडी सिंग, तू गा दे, तू गा दे, तू गा दे। पक्का मैम, आज मैं गाऊंगा। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। हम कहां आ
संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। वेरी गुड। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। More updates. Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy.